साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई काश आप एमएलए होते। जी हाँ साथियों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एमएलए अगर आप हो, बड़ा पद आपके पास है, आपके पास पावर है, तो आपको कानून की जरूरत नहीं है। कानून आपको सलाम ठोकता है। आप विदेश से आ रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयरपोर्ट वाले झुक के नमस्कार करेंगे, बोलेंगे जी सर आइए, हम आपको गाड़ी भी देते हैं, आपको आपके जगह तक पहुंचाते हैं, आपको क्वारंटाइन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी हाँ साथियों, ये नियम ओनली फॉर गरीब लोगों पर लागू होते हैं, मजदूरों पर लागू होते हैं। खासतौर से पैसे वाले लोग और पावरफुल वाले लोग होते हैं, उनमें ये बातें लागू नहीं होती। एग्जाम्पल कल का है, राजस्थान में आपको पता है साथियों राज्यसभा चुनाव थे कल की डेट में राजस्थान में, आपको सबको पता ही है। और गलो साहब उसी में बिजी थे, आपके विधायक साहब, एमएलए साहब, सांसद साहब जो भी थे सब बिजी थे, आपको पता है, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। मेरे पास कल एक सीकर से भी एक बंदे का मैसेज आया कि हमारे सांसद हैं, उन्होंने उनकी कोई हेल्प नहीं करी, वो मैसेज का जवाब तक नहीं देते। सुमेना नंद सरस्वती, जी हां साथियों, राजस्थान के सांसद सीकर के, बीजेपी के हैं। यहां पे मैं पार्टीबाजी की बात नहीं करूंगा, यहां तो बातें वही होगी, जो अच्छा काम करेगा उनकी तारीफ करेंगे, बुरा करेंगे उनकी बुराई करेंगे, नो डाउट। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम यहाँ पे गरीब लोगों की बात करते हैं, नेताओं की चमचागिरी नहीं करते। सच्चाई यही है, कल की डेट में राज्यसभा चुनाव थे, एक विधायक वाजिब अली, जी हाँ साथियों, इनका नाम है वाजिब अली, जो ऑस्ट्रेलिया से कल सुबह राजस्थान पहुंचे। जी हाँ साथियों, क्योंकि राज्यसभा के वोटिंग करनी थी, सीटों पे 3-4 सीटों पे चुनाव था, इतना हमें इस सिस्टम में जाना नहीं है। एयरपोर्ट पे उतरे, जयपुर एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो सिस्टम क्या बोलता है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन क्या है, आप एयरपोर्ट उतरते हो तो 7 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ता है, चाहे कोई भी 30 मार्क का हो, यही नियम है, सबको पता है ना। लेकिन ये विधायक साहब कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की सरकार थी, तो आपको पता है फिर पावरफुल है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री से लिंक हो, उनको एयरपोर्ट वाले तो सलाम तो करेंगे, आपको पता ही है। ये साहब एयरपोर्ट से निकले, सीधा वहां पहुंच गए जहां पे वोटिंग चल रही थी, जी हां साथियों, और वोटिंग लाइन में लग गए। राजस्थान के जो राजेंद्र राठौड़ हैं, विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता हैं, उन्होंने उनको पहचान लिया, बोले आप तो वहां से आए हो ऑस्ट्रेलिया से, तो आपको क्वारंटाइन होना चाहिए। तब और लोगों ने हंगामा कर दिया, फिर लोगों को पता पड़ा, अरे यार ये तो ऑस्ट्रेलिया से आए। 15 विधायक जो उनसे हाथ मिला रहे थे, खुश होके, राजी होके, उनको पता पड़ा ये तो विदेश से आया है, फिर वो डर गए कि कहीं पता लगे कोरोना तो नहीं है, फिर उनको विरोध हुआ तो वापस भेजा गया, फिर वो वापस आए पीपीआई किट पहन के, फोटो भी साथ में शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिए, पीपीआई किट पहन के वापस आए वोटिंग की। जी हाँ साथियों, उसके बाद में देखिए, आप लोगों को, आपको पता है राजस्थान में 15-15 दिन जांचें पेंडिंग पड़ी रहती हैं, आपको पता होगा, आप विदेश से आ रहे हो, इंडिया में क्वारंटाइन हो रहे हो, आपको पता है आपकी जांच 3-4 दिन बाद आती है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ अपने हाथ में है भाई, जैसे मर्जी कर लेते हैं। इस महाशय की जो वाजिब अली हैं, इनकी तुरंत 1 घंटे में रिपोर्ट नेगेटिव आ गई कोरोना की। जी हाँ साथियों, और जो विधायक साहब 15 हैं वो डर के, उन्होंने भी बोला कि हमारे भी इनकी हमारी जांच करवाई जाए, क्योंकि हम इनके संपर्क में आ गए, उनकी 3 घंटे में नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, और आप लोगों की 10 दिन 5 दिन 7 दिन लग जाते हैं। ये है ना पावर का कमाल, नहीं क्वारंटाइन की जरूरत है, नहीं आपको कुछ करने की जरूरत है, सीधा एयरपोर्ट से निकलो, घर पहुंचो, नो डाउट। यानी काश आप भी एमएलए होते तो आपके साथ भी ऐसा ही होता। ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी जरूरी है भाई, कि हम जिन नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं, जिनके चक्कर, जिनको सलामी करते हैं ना, ये उन लोगों की हाल है। नियम गरीब लोगों पे लागू होते हैं, पावरफुल बाहुबली जो अपनी सरकार में है उन पे ये नियम लागू नहीं होते। जय हिंद, वंदे मातरम।